सर आप यह बताइए कि विकास हो रहा है यूपी के अंदर? अब क्या बताएं, यूपी का विकास हो रहा है कि नहीं? यूपी के रहने वाले हैं ना जी, तो बताइए ना विकास कितना हो रहा है? हो रहा है काफी हद तक। काफी हद तक हो रहा है तो जी। योगी जी वापिस आएंगे नहीं होंगे? लग तो रहा है वापिस आएंगे, फिर से रिपीट हो जाएंगे जी। कमल खिलेगा तो कमल किस लिए खिलना चाहिए, क्या क्या काम हुआ है? अब हम लोग तो भाई शिक्षा क्षेत्र में हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, उतना तो रोजगार नहीं मिला है फिर भी। लेकिन सरकार दावा कर रही है रोजगार मिल रहे हैं। अब सरकार तो बहुत कुछ दावा करती है लेकिन उतना होता नहीं जितना दावा करती है। जो दावा करे वो नहीं हो रहे। तो आप क्या चाहते हैं कि महंगाई का मुद्दा होना, महंगाई थोड़ा कम हो और शिक्षा रोजगार बढ़े बस? और अच्छा, शिक्षा रोजगार बढ़े जी, महंगाई कम हो जी, तो 2022 में मुद्दा होगा ये जी, एकदम होना चाहिए। तो ये योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? सबसे तो ठीक ही है, सबसे बेटर है। तो इनका पसंद क्यों है कि फिर से वापिस आना चाहिए? तीन काम बताइए जल्दी जल्दी। अब आपको तीन काम फटाफट बता दीजिए। देखा जाए तो राम मंदिर है, ये सब है। राम मंदिर तो कोर्ट का फैसला है। अरे फिर भी बन तो रहा इन्हीं के कार्यकाल में। अच्छा कार्यकाल में कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है ना भैया? वो तो है फिर भी। चलिए दो काम और बता दीजिए आपने इन्हीं का ही, सारी क्रेडिट इन्हीं को ही देना चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, दो काम दिलवा दीजिए। दो काम, थोड़ा सा अपराध कम हुआ है और लगता है, और ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ब्राह्मण क्या कह रहे हैं भैया? हाँ जी, ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, योगी जी ब्राह्मण विरोधी है। ऐसा क्यों लग रहा है भैया? ब्राह्मणों के तो ठाकुर हैं आप, कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी। कौन ठाकुर? वो बड़ी बड़ी वाली बात नहीं है, पर जो भी सरकार है, जो भी सरकार अच्छी आए, चाहे अखिलेश यादव आए, चाहे मोदी जी आए या योगी जी आए, सरकार नहीं चाहिए हम ब्राह्मण है, बिल्कुल ब्राह्मण विरोधी नहीं चाहिए हमें। हमें बहन जी को वापसी चाहिए। अच्छा आप ब्राह्मण है, क्या नाम है भैया? आनंद दुबे। अच्छा आप विकास दुबे, इसी वजह से? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से आप ना जोड़िए, वहाँ से बिल्कुल नहीं जोड़े। हम लोग बहुत पहले से बस पाई रहे हैं। अच्छा जी, हम इसीलिए मायावती जी को चाहते हैं जी, उन्हें हम दोबारा बनाना चाहते हैं। योगी जी से क्यों नाराज किया भैया? विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है विकास? विकास कहाँ पे हो रहा है? विकास नहीं दिखाई दे रहा है कहाँ? बताइए, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही। अरे झूठे वादे, झूठे दावे किए जाते हैं सरकार में, और लखनऊ से दिल्ली तक होर्डिंग लग रहे हैं। सिर्फ होर्डिंग लगती है, सिर्फ ये बस एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च किए जाते हैं, और कहीं पे भी नहीं। अच्छा विकास नहीं हो रहा है बिल्कुल। मायावती जी को आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल। आप किसको देखना चाहते हैं? मायावती या अखिलेश, दोनों में से किसी को? दोनों में से किसी को? साइकिल या हाथी? हाथी। दोनों में से बेटर कौन है? अखिलेश। अखिलेश साइकिल चलेगा? साइकिल चल जाएगी क्या भैया? कंफर्म नहीं चलेगी क्या? कमल खिलेगा? कुछ कंफर्म नहीं हमको जी। आप खुद खिलेगा तो कमल नहीं। महंगाई कैसा लग रहा है? महंगाई तो चरम सीमा पे चल रही है, किसी को अच्छी लगती है महंगाई, किसी को अच्छी नहीं लगती। डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं कंटिन्यू। अभी एक महंगाई आप, ये हाल है, 100 रुपए लीटर तेल हो गया, बताइए। अब जो गरीब आदमी कहाँ चलाएगा भैया? कोई बात नहीं, विकास है, कुछ भी नहीं विकास, सिर्फ विकास दुबे मारा गया है। विकास कहाँ पे? 100 रुपए पेट्रोल हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहा। विकास कहाँ पे हुआ है? विकास पैदा नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। सरकार दावा कर रहे हैं, सरकार तो दावा कर रही है ना, सरकार दावा करते हैं कि विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी आ रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केवल नाम है। मेट्रो अखिलेश ने बनवाया, योगी जी ने केवल फीता काट दिया। योगी जी ने मेट्रो लाया लखनऊ में, लखनऊ का असली विकास बहन जी ने किया, उसके बाद जो बचा कुचा था वो अखिलेश ने किया। शुरू अखिलेश यादव का सब कुछ प्लान है और कर रहे हैं प्लान तो उनका। लखनऊ का विकास बहन जी ने ही किया, लखनऊ का विकास बहन जी ने शुरू किया, बाकी विकास नहीं दिखाई दे रहे। विकास हुआ ही नहीं है तो दिखाई कहाँ देगा? पैदा नहीं हुआ है, बड़ा नहीं हुआ, न पैदा हुआ है न बड़ा हुआ है। अच्छा, पैदा ही नहीं, पैदा होगा तभी तो बड़ा होगा। करना चाहती है नई सरकार, पैदा करना चाहती है सरकार, पैदा नहीं कर, सिर्फ झूठे वादे, झूठे दावे करती है। अब पहले बताइए, कहा था कि 1 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा, 7 साल 8 साल उनकी गवर्नमेंट को हो गए हैं, अभी तक 1 साल में 1 करोड़ रोजगार कहीं भी दिया गया? यूपी के अंदर बात करिए, अभी 2 मिनट के लिए मोदी जी को योगी जी को। तो यूपी में सपा या बसपा दो में से एक, बाकी कोई नहीं। साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी, इस बार साइकिल साइकिल ही चलेगी। अच्छा उम्मीद ही है? अच्छा और किसने काम किया? और काम किया? सारा दावा फेल है क्या? सारा दावा फेल, 101% फेल है। अच्छा होर्डिंग में पैसा लगा रहे हैं? होर्डिंग में ही पैसा लगा रहे। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव अभी जल्द हुआ है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जल्द हुआ है, सारी जगहों पे दूसरी पार्टियों के आदमियों को पर्चा नहीं मिला है, जबरदस्ती अध्यक्ष बना दिया गया, जबरदस्ती जल्दी जबरदस्ती ब्लॉक प्रमुख बना दिया गया दबंगई के
के बल पे, केवल तानाशाही चल रही है। युवा क्या चाहते हैं जल्दी जल्दी बताओ। युवा क्या चाहते हैं? युवा रोजगार चाहते हैं, युवा पढ़ाई चाहते हैं, और युवा क्या चाहता है? अच्छा रोजगार चाहते हैं। इतना महंगाई पूरे साल में अगर सेंट्रल से देखा जाए, भविष्य उठा लिया जाए इतिहास को, इतना महंगाई कभी नहीं हुआ। अच्छा मुद्दा ये बेरोजगारी होना चाहिए। मुद्दा यही है, यही है। कन्हैया कुमार जब जब चिल्लाता है तब तब उसे अंदर जाने के लिए धमकी दी जाती है। अगर ये याद कैसे आ गए भाई कन्हैया? हम भी स्टूडेंट है, वो भी एक स्टूडेंट है, हम भी गरीब है, वो भी गरीब है। इसी वजह से ना वो कोई अंबानी का लड़का है, ना हम अंबानी के लड़के हैं। तो ये महंगाई मुद्दा होना चाहिए आपके लिए? क्या क्या मुद्दा होना चाहिए? महंगाई मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2022 का मुद्दा नहीं होना चाहिए महंगाई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए कि पहले पेट्रोल का दाम कम करें। वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, महंगाई मुद्दा होना चाहिए। पेट्रोल काम कम करें, तेल जो 105 रुपए का रिफाइन लेते थे आज 155 रुपए का रिफाइन है। अच्छा ये महंगाई मुद्दा होना चाहिए, आप बताइए भैया महंगाई मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मुद्दा, रोजगार मुद्दा होना चाहिए। महंगाई बेरोजगार सिर्फ महंगाई को मुद्दा रखिए पहले, बेरोजगार तो कोई हम लोग को सवाल ही नहीं है। अच्छा बेरोजगारी कोई सवाल ही नहीं है, ये मुद्दा नहीं? आप बताइए भैया बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सबसे मेन मुद्दे यही है, बेरोजगारी और शिक्षा। शिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, अंकल जी से जानने की कोशिश करेंगे, अंकल क्या कहते हैं। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी एक सवाल है, क्या योगी बाबा की कार्यकाल से खुश है? योगी बाबा की कार्यकाल से खुश है? बिल्कुल खुश है। खुश है तो क्या अच्छा लग रहा है, क्या क्यों खुशी हो रही है इतना, क्या ऐसा काम किया है योगी जी ने? इसने काफी कुछ क्राइम पर कंट्रोल किया है और अनुशासन भी है और काफी कुछ माफियाओं पर भी कंट्रोल कर लिया है। इसी वजह से अभी योगी जी को वापस देखना चाहते हैं क्या? बिल्कुल देखना चाहते हैं फिर से 2022 में। 2022 में फिर से देखना चाहते हैं योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहते हैं। चलिए हम आ जाइए ना अंकल जी, तब पता चल ही जाएगा। जितने जितने गांव हैं, गांव कोई सुविधा नहीं, ना खड़ंजा, ना नाली, ना कुछ नहीं, वाटर कुछ नहीं है। योगी बाबा तो कह रहे हैं मुंशीपुरा गांव देखिए कुछ नहीं हुआ, कुछ अभी जैसे पुरानी खड़ंजा, पुरानी नाली पड़ी, बच्चे नाली गिरते हैं, गंदगी, कोई नहीं आता कुछ। अच्छा काम नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कोई जाए देख ले मुंशीपुरा गाँव के अंदर। अच्छा सारा गाँव ऐसे योगी योगी जी कोई कार्य नहीं करे? तो हम कहा नहीं कहे तो फिर क्या होगा 2022 में? जब देखो होगा, जब दूसरी सरकार बनेगी क्या? जब सरकार किसका बनाने वाले हैं? बस ये अगले साल की का साइकिल चलेगी और क्या, जब कुछ काम का फायदा का तुम लोग कहा देखो? हम लोग बताओ, जब हम लोग सुविधा रोजगार कुछ मिली हम लोग क्या करें? गाँव तक जैन छीन लेना मुआवजा ना कुछ, इनका क्या फायदा रखे? अच्छा यहाँ इसलिए योगी जी को अखिलेश को चाहते हैं, कह रहे साइकिल चलेगी। चलिए हम अंकल जी से पूछते हैं, अंकल जी पेट्रोल का दाम बहुत महंगा हो रहा है, अच्छा लग रहे हैं नहीं? अच्छे लग रहे हैं तो महंगाई कैसा लग रहा है आपको? महंगाई हो रही है, कड़वा तेल की कीमत 180 रुपए, पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है, रोज कमाने वाला क्या खाएगा, क्या जिंदा रहेगा? अच्छा कैसे जिंदा रहेगा? परेशानी हो रही नहीं हो रही? तो परेशानी बेहद है, बेहद परेशानी है। तो अंकल जी आप क्या चाहेंगे 2022 में, योगी बाबा को बदलना चाहेंगे या फिर से? अब ये योगी बाबा जाने, योगी बाबा की नसीब जाने। योगी बाबा का नसीब बनाने वाले तो आप ही लोग हैं, जनता ही तो है। सबसे अच्छी सरकार थी अखिलेश की। अच्छा तो फिर से साइकिल चलाने का इरादा है, साइकिल चलेगी इस बार? देखिए इनका कहना है कि साइकिल चलेगी। अच्छा भाई एक मिनट आपके पास टाइम है। अच्छा ये बताइए युवा क्या चाहते हैं यूपी में? युवा क्या चाहते हैं युवा, मतलब क्या यूपी के अंदर जिस तरीके से 2022 में चुनाव होंगे तो उसी का ही सर्वे कर रहे हैं हम लोग, क्या युवा को रोजगार मिल रहे हैं? नहीं रोजगार तो ऐसे नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे कि व्यवस्थाएं तो हो रही है सेक्टर में, जैसे बहुत कुछ विकास हुआ है। विकास हो रहा है तो रोजगार मिल रहे हैं आप लोगों को? रोजगार का हाँ मतलब ये है कि जैसे गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कुछ विकास हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा विकास होना चाहिए? होना दोनों चाहिए, लेकिन इस समय फिलहाल जैसे होता है। आप फिर से योगी जी को देखना चाहते हो? हाँ योगी फिलहाल। अच्छा अंकल जी नमस्ते, आप बताइए कि विकास हो रहा है यूपी के अंदर, योगी जी विकास कर रहे हैं? विकास के बारे में क्या बताएं, यहाँ पे कहाँ का पूछ रही है आप? यहाँ मार्केट का ही देख लें। हाँ यूपी के अंदर आप थोड़ा सा मार्केट में आके देख लीजिए यहाँ का विकास क्या है। ये देखिए 300 दुकानों की मार्केट है आवास विकास की, और अंदर बहुत गंदगी है, ना पानी की है व्यवस्था और ना टॉयलेट बने हैं, कुछ भी नहीं है, ना पानी है, ना सफाई है, ना टॉयलेट है, बिल्कुल ऐसे ही है। और टैक्सेस यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं दुकानों के, बहुत ज़्यादा टैक्स।
अच्छा, टैक्स बहुत ज्यादा है जी हाँ, और महंगाई जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है जी हाँ। तो परेशानी है, बिल्कुल परेशानी है, परेशानी क्या, बहुत परेशानी है। कह रहे थोड़ा सा जेल लीजिए, कोई बात नहीं, बीजेपी नेता कह रहा है कि महंगाई थोड़ा सा जेल लीजिए। फिलहाल तो झेलने वाली है नहीं, नहीं बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रोल का देखिए क्या रेट है, डीजल का क्या रेट है, जो हम लोग और भी गैस चलाते हैं, गैस का देखिए क्या हो गया। तो आम जनता के लिए कितना परेशानी हो रही है? आम जनता के लिए तो बहुत परेशानी है। तो आप क्या चाहेंगे कि इस बार सत्ता बदल देना चाहते हैं क्या? कुछ तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अभी तक के हमने इनको देखा। बदलाव चाहते हैं जी हाँ, बदलाव किसको चाहते हैं? बदलाव में, बदलाव में देखिए कोई भी पार्टी हो जो मतलब उसको महंगाई को कम करे, पेट्रोल डीजल को देखे और दूसरी चीजें। कौन कौन क्या लगता है, कौन सी पार्टी आपके बदलाव कर पाएंगे? अखिलेश तो फिलहाल अच्छे काम कर रहे हैं जी हाँ, मन में साइकिल है जी हाँ, साइकिल चलेगी। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी हमसे बात करने के लिए।